गाइस पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े ऊंचे और नीचे रास्तों का ना मज़ा ही एक अलग लेवल होता है इनमें इनमें ट्रैवल करने का ना, इनमें ट्रैक करने का। इसको सुखा लिया, उसके बाद कूट के इसको चाय में पाउडर फॉर्म में डालने के बाद इसका डेली सेवन करने से ना माना जाता है कि कैंसर की बीमारी का निवारण होता है। मतलब वो बीमारियाँ कभी आपको घेर नहीं सकती हैं। यानी यहाँ से नंदा देवी पर्वत भी दिखता है और यहाँ से तिब्बत चाइना बॉर्डर भी यहीं टच होता है। इसमें जो स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई थी ना वो भर लिया है, बिकॉज दीदी लोगों के लेके जानी है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है कमल धामी और स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के सबसे दूरस्थ गांव मुनस्यारी से। गाइज जैसा कि आप लोग जानते होंगे ये मेरा मुनस्यारी ट्रिप का चौथा दिन है। अब तक मैंने आपको इस ट्रिप में दिखाया कि यहाँ का रहन सहन कैसा है, यहाँ का खान पान, यहाँ के फल फ्रूट और यहाँ का मौसम किस तरीके है वो आपने अब तक की वीडियो में देखा। फाइनली आज मेरा ये ट्रिप का पूरा जो शेड्यूल है वो कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज जो चीज़ मैं घर से सोच के आया था कि यहाँ ट्रिप करने जाऊँगा तो आज फाइनली वो कंप्लीट हो रही है। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैं आपको उसी ट्रिप के रिगार्डिंग सब कुछ जानकारी दूंगा, तो वीडियो पे बने रहिए और आज का ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। बॉयज अभी टाइम हो चुका है सुबह का, ऑलमोस्ट 10 बज चुका है। घर से काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुंच के मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूं, बिकॉज घर पे थोड़ा सा मेरे को ना हेजिटेशन टाइप का होता है, मतलब शर्म तो आती है बॉयज। बाकी यार बॉयज इस क्षेत्र को ना मुनस्यारी को हमारे उत्तराखंड का सबसे ठंडा क्षेत्र भी कहा जा सकता है, बिकॉज जहाँ गर्मियों के मौसम में यानी अभी जून जुलाई का टाइम चल रहा है तो उस टाइम पर हर जगह दिल्ली गुड़गांव या फिर अदर सिटी जैसे हल्द्वानी हो गया, जहाँ भी अभी तक मैं ट्रैवल करके आया जो कि आपने ब्लॉग में देखा ही होगा खटीमा साइड, तो वहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है जिससे हमारी हालत डाउन है। बट यहाँ पे आप हमारा हुलिया देख के जान सकते हैं, और जैसा कि आपने इन तीन चार जो मैंने अभी तक ब्लॉग अपलोड किया उनमें भी देख ही लिया होगा कि यहाँ पर कितना ज़्यादा ठंडा पड़ता है। बाकी यार गाइज अभी ना नेगी भाई के पिताजी यानी अंकल जी हमारे साथ आ रहे हैं जो कि हमको गाइड करेंगे, बिकॉज हम लोग ना नए नए हैं यहाँ पर ट्रैवल पर, तो हमको इतनी ज़्यादा जानकारी नहीं है। बाकी कई ज़्यादा लोग यहाँ जैसे टूर पे आते हैं ना टूरिस्ट लोग, तो रास्ता वास्ता भी भटक जाते हैं। बाकी यार गाइस वीडियो पे बने रहिए, आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि हाँ आप कैसे आ सकते हैं यहाँ पे, आपको रहने रहने का नीचे होम स्टे भी मिल जाएगा। तो यार वो अभी टाइम हो रखा है 10:30 के करीब, अभी हम बैठ रखे एक जगह पे लोकेशन पे, बिकॉज ना काफ़ी ज़्यादा थकाई लग गई है। गाइस पहाड़ों के इन टेढ़े मेढ़े ऊंचे और नीचे रास्तों का ना मज़ा ही एक अलग लेवल होता है इनमें इनमें ट्रैवल करने का ना, इनमें ट्रैक करने का एक नेक्स्ट लेवल का मज़ा आता है गाइस। और कुछ ही देर पे हम पहुंच जाएंगे, लगभग कितना 2-3 किलोमीटर और बचा होगा समथिंग, तो वहाँ पहुंच के आपको वहाँ का पूरा व्यू दिखाऊंगा। और अंकल जी ने भी बहुत सारी बातें बताई हमको, जैसे बताया कि यहाँ पे पास में बागेश्वर चमोली तिब्बत और चाइना का बॉर्डर भी पड़ता है, तो सारी चीज़ें आपको दिखाऊँगा आगे वीडियो में, बने रहिए। तो यार बॉयज अभी हम जिस पेड़ के नीचे खड़े हैं ना, इस पेड़ का नाम है थुनेर, है ना, थुनेर। और बॉयज इस पेड़ के बारे में यहाँ बताते हैं ना कि इस पेड़ की जो खाल है और पत्ती है ना, इनको इनकी ना बहुत ज़्यादा दवाई लगती है, मतलब कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसको यहाँ के स्थानीय लोग जैसे इसको सुखा लिया, उसके बाद कूट के इसको चाय में पाउडर फॉर्म में डालने के बाद इसका डेली सेवन करने से ना माना जाता है कि कैंसर की बीमारी का निवारण होता है, मतलब वो बीमारियां कभी आपको घेर नहीं सकती हैं। बाकी इसका कुछ सिनेमेटिक शॉट देखिए जो कि दूर से आपको दिखाऊंगा, और नाम है इसका थुनेर। और यार बॉयज जैसे जैसे हम जंगल में आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, हमको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है जो कि आपको वीडियो में पूरा व्यू दिखाऊँगा मैं आपको। तो यार वो जो अभी आप ये मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ना, ये हैं पहाड़ी स्ट्रॉबेरी, और स्थानीय भाषा में इसका नाम भूमि लगाई, और इसका टेस्ट ना सेम स्ट्रॉबेरी की तरह होता है, इसलिए मैं इनको पहाड़ी स्ट्रॉबेरी कह रहा हूँ। और बाकी ना ये यहाँ के पूरे जंगल में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फैली हुई है। बाकी आपको दिखा देता हूँ इसका क्लोज व्यू, ये देखिए
टेस्ट करके भी बताता हूँ। सेम स्ट्रॉबेरी यार ब्रो, सेम। कभी आप फर्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, फर्स्ट टाइम के जितनी बार आप खा लेना उतनी बार ये सेम स्ट्रॉबेरी की तरह ही है। बाकी निकी भाई भी तोड़ रहे हैं, बाकी दीदी के लिए भी घर के लेके जाएंगे हम बोतल में भर के। तो यार फिलहाल वही हमारा ना सफ़र यहीं तक होने वाला है, बिकॉज ना ऊपर जो हम पंचाचुली देखने जा रहे थे ना उसमें जैसे इस पहाड़ी में कोहरा लगा है ना, मतलब कोहरा हाँ ये धुंध टाइप का, तो ऊपर पंचाचुली भी ऐसे ही कवर अप हो रखा है। जो अभी यात्री आ रहे थे ना उन लोगों ने भी कंफर्म करवा दिया। बाकी तो यहीं तक सफ़र रहेगा, बाकी नेक्स्ट टाइम देखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टाइम सीजन के टाइम पर आना पड़ेगा, जैसे मार्च अप्रैल या फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर इस टाइप पर, उस टाइम पर काफ़ी साफ मौसम होता है, तो उस टाइम पर आके यहाँ से काफ़ी अच्छे अच्छे व्यू आते हैं। अदरवाइज खलिया टॉप भी जाएंगे नहीं तो नेक्स्ट टाइम। और अभी हम घर से कुछ आइटम वगैरह लेके आ रखे हैं, ड्राई फ्रूट या फिर कुछ खाने की चीज़ें, तो उनको एंजॉय करते हैं। तो यार वो ऊपर से हमको पंचाचुली का तो कोई व्यू आया नहीं बिकॉज ऑफ मतलब कोहरे की वजह से, बट अभी हम जा रहे हैं यहाँ से ऊपर से ना, हमको नीचे आते टाइम एक तालाब दिखा था ऊपर से, तो काफ़ी बड़ा तालाब दिख रहा था। बाकी अंकल जी से उसके बारे में डिटेल जान लेंगे अभी नीचे जाके। तो चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा थकान लग चुकी है। और यहाँ जंगल में ना भालू वालू का भी काफ़ी ज़्यादा खतरा है बॉयज, और यहाँ लोग भी डराते हैं, जो जिनकी कीड़ा जड़ी ढूंढने में ना डेथ वेथ हो गई थी ऊपर, तो वो लोग। बाकी अंकल जी वो नीचे पहुँच चुके हैं, वो उधर देख सकते हैं। और पावर बैंक भी साथ में लिया गया है, एक्चुअली बैटरी भी लो हो चुकी है। फेयर बॉयज, जिस लोकेशन की मैं आपसे बात कर रहा था ना, जो कि मेरे को बहुत ऊपर से मतलब वहाँ से देखने को मिली थी, वहाँ तक गए थे हम पंचाचुली देखने, बट पंचाचुली नहीं दिखा। और जो लोकेशन मैं ऊपर से देखा ना तालाब, वो तालाब ये रहा। और ये तालाब ऐसा लग रहा है जैसे डिस्कवरी में नहीं दिखाते एक से एक तालाब, और यहाँ पे जंगली भैंसे वैसे वगैरह भी देखे थे हमने। बाकी बैक कैमरे से इसका व्यू दिखाता हूँ यार। वॉइस ये देखो, यहाँ से तालाब ये स्टार्ट है और ये इतना बड़ा है ना, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। अभी तक इसमें कोई काम नहीं हुआ सरकारी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से काम आएगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा तालाब बन सकता है। काफ़ी मस्त है यार देखो, और एकदम दलदल टाइप का है, ऊपर पहाड़ियाँ ही दिख रही है, पानी तो दिख नहीं रहा। ये देखो वॉइस, मछियाँ भी हैं, मछियाँ भी हैं, मुझे तो नहीं दिखी भाई साहब। ये देखो पेड़ कैसे, पेड़ ऐसे उगे ना तालाब में, मतलब डिस्कवरी वाले जंगल लग रहे हैं जिंदा गति। हाँ ये तो वही, एक आध रील वगैरह शूट कर ली यहाँ पे, बट क्लियरिटी कुछ खास नहीं आ रही बिकॉज ऊपर से ना काले बादल है, एकदम अंधेरा टाइप का हो रखा है, और पूरी तालाब की काली काली लग रही है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट टाइम यार, क्योंकि आज तो यहाँ पे मेरा लास्ट डे होने वाला है, कल सुबह निकलने की सोच रहा हूँ, तो देखते हैं किस टाइप का रहता है मौसम वगैरह। बाकी यार इंस्टाग्राम पे चेकआउट जरूर कर लेना, जिस जिसने इंस्टाग्राम वाली रील चेकआउट नहीं की है। फेयर बॉयज फिलहाल हमारी तैयारी अभी घर को जाने की, बाकी नेकी भाई ने बॉटल में और मैंने इसमें जो स्ट्रॉबेरी आपको दिखाई थी ना वो भर लिया है, बिकॉज दीदी लोगों के लेके जानी है। तो यार गाइज आज के ब्लॉग में तो मैं आपको इतना ही दिखा पाया बिकॉज ऑफ मतलब जो रीज़न था वो ये था कि मतलब मौसम की वजह से यार देखो कोहरा हो रहा है, और अभी ऊपर से बारिश आने का भी मौसम हो चुका है। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, होप करते हैं कि मतलब इन फ्यूचर हम कभी ऐसे दोबारा यहाँ टूर करें और यहाँ का पूरा क्लियर व्यू आपको दे पाएँ, और भी अच्छी अच्छी जानकारी फ्यूचर में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इस ब्लॉग को यहीं पे क्लोज करते हैं दोस्तों, देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आता तो इस ब्लॉग को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दीजिए। बॉयज फिर मिलेंगे ऐसे कमाल के ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।